नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इधर लोकसभा चुनाव सर पर है और स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम केजरीवाल के पीए वैभव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए वैभव आए। उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट तक की। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि वैभव ने उनके सीने और पेट पर हमला किया, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। ये बयान स्वाति मालीवाल ने आज 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया है। इससे पहले गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची थी, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। अब इससे इस मामले पर एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। हमले के वक्त वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों की जांच करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए सीएम केजरीवाल के घर जा सकती है। बता दें, पुलिस उस कंपनी से भी मदद लेगी जिससे केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। स्वाति मालीवाल के इस बयान पर ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिया है। हालांकि इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि स्वाति मालीवाल ने सीएम के सामने पिटाई की बात का उल्लेख क्यों नहीं किया है, जबकि दिल्ली पुलिस का दावा था कि पीसीआर कॉल में यही बताया गया था कि सीएम मुझे अपने पीएम वैभव कुमार से पिटवा रहे हैं। लोग अब गुस्से में हैं। स्वाति मालीवाल को इसका जिक्र अपने ट्वीट पर भी करना चाहिए था ताकि स्थिति स्पष्ट होती। बता दें, अभी तक इस मामले पर केजरीवाल ने चुप्पी साधी है। इस पर केजरीवाल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ईडी ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केजरीवाल और संजय सिंह गुरुवार सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। वैभव को लखनऊ एयरपोर्ट पर केजरीवाल के साथ देखा गया। मीडिया ने जब स्वाति मालीवाल केस को लेकर केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान दोनों को एक साथ गाड़ी में बैठा देखा गया। आपको बता दें, 13 मई को पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि सीएम हाउस से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल आई थी। इसमें कॉल ने कहा गया था कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए वैभव कुमार से बुरी तरह से पिटवाया। फोन कॉल के बाद मालीवाल सोमवार सुबह ही सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी, लेकिन तब उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी। तब वह बिना शिकायत दिए थाने से लौट गई थी। आखिर इस दौरान मालीवाल का लिखित शिकायत ना कराने के पीछे क्या वजह रही होगी? मालीवाल एफआईआर दर्ज कराने के लिए किस बात का इंतजार कर रही थी? आपको बता दें, हाल ही में न्यूज 24 में सीएम आवास से आया स्वाति मालीवाल का नया वीडियो दिखाया गया, जिसमें वो झगड़ती नजर आईं। लेकिन इस दौरान हाथापाई या मारपीट जैसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली और ना ही अभी तक ऐसी कोई तस्वीरें सामने आई जिससे मालीवाल के साथ मारपीट की जा रही हो देखा जा सके। अब इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इस मुद्दे से किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा और किसको ज्यादा नुकसान होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।